Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम अच्छा हूँ। और आज हम लाए हैं 15 मई का करंट अफेयर्स। तो पैटर्न क्या है, प्रोफार्मा क्या है, ये आप लोग जानते हैं। पीछे स्लाइड्स आएंगी, आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि मैं कमेंट्स चेक करूंगा, लेकिन जितने लोगों ने व्यूज़ देखे उसका आधा भी कमेंट नहीं आया। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, बिकॉज हम मुझे मालूम चले ना कि जो भी हम प्रयास आपके लिए कर रहे हैं वो आप लोग के लिए अच्छा है या नहीं है, या जो भी हमारी बातें हैं वो आप सीख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आज भी आप क्वेश्चंस के आंसर करना, ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पूछता हूँ उसका भी आंसर मुझे आप करना। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है और एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट फर्स्ट इंडिया डेडिकेटेड पब्लिकली ऑफर्ड इन्वेस्टमेंट फंड। हिंदी में, किस देश के सबसे बड़े बैंक ने सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अपना पहला भारत समर्पित निवेश निधि लॉन्च किया है, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आश्चर्यजनक रूप से ये किसने किया है, ये किया है चाइना के बैंक ने। तो चाइना के बैंक ने इंडिया डेडिकेटेड पब्लिकली ऑफर्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है, मतलब कि इसमें जो चाइना के इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा सीधे इंडिया के मार्केट में लगा सकते हैं। तो चाइना के किस बैंक ने किया है, क्यों किया है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए सेकंड स्लाइड हमारी आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ, और देखते हैं। तो चाइना का लार्जेस्ट बैंक जो हम बात कर रहे थे, इस बैंक का नाम क्या है, नाम सुन लो। इस बैंक का नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, इसी ने लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिया डेडिकेटेड पब्लिकली ऑफर्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो ये आप लोग जान लो कि किस बैंक का नाम है, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बैंक का नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसने पहला इंडिया डेडिकेटेड फंड लॉन्च किया है ताकि चाइनीज जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों करेंगे? द बैंक सेड दैट द इंडियन मार्केट ऑफर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर चाइनीज इन्वेस्टर ड्यू टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ। ठीक है, तो सुन लिया आपने। तो ज़्यादा कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम चाइना के बैंक की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में आपसे उस बैंक का नाम पूछा जा सकता है, जिसका नाम मैंने लिया, नाम क्या है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो पहला क्वेश्चन हालांकि है छोटा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लर्न कर लेना। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर मिनिस्ट्री चेंज होने की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सूचना और प्रसारण का नया मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर देंगे स्मृति जुबैन ईरानी जी, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इन्हें अब बना दिया गया है मिनिस्टर किसका, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, ये चीज़ लर्न कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी रिसेंटली में चेंज हुआ है। ठीक, तो इस पॉइंट से और क्या पॉइंट बन सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसके लिए आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स, स्लाइड हमारी आ चुकी है सामने, और स्लाइड पर क्या क्या चीज़ें हैं और एक बार देखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ असाइंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो टू राज्यवर्धन राठौर इन प्लेस ऑफ स्मृति ईरानी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को संभाली है, तो इसके पहले ये मिनिस्ट्री किसके पास थी, तो आंसर आपको मिल गया होगा, स्मृति ईरानी जी के पास थी। ठीक है, और पॉइंट क्या है और देखते हैं। ही हैज़ बीन गिवन द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब इनको मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, और अर्लियर ही वॉज द MOS ऑफ INB मिनिस्ट्री। अब यहाँ पर MOS का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ये पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, लेकिन अब इन्हें पूरी की पूरी मिनिस्ट्री दे दी गई है, एज अ इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब स्मृति ईरानी विल नाउ ओनली होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। और स्मृति ईरानी जी के पास पहले दो मंत्रालय थे, एक था इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एक था टेक्सटाइल। तो स्मृति ईरानी जी के पास अब केवल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब भी रिसेंटली में कोई चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर का आपको कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया बताना है, मैं कमेंट में चेक करूंगा। अब आप सर्च करो, कैसे भी करो, आपको आंसर इसका देना है, और मुझे आंसर सबसे चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे हमारे सेकंड क्वेश्चन की, हम बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आवर थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, और यहां पर स्पोर्ट्स पे हम बात करेंगे शूटिंग की। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, हु इज द विनर ऑफ वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल एट द इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ हैनोवर जर्मनी।
यानी हैनोवर जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल की विजेता कौन है, आपको इसका आंसर देना है। और यहाँ पर पांच ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है पांचवा ऑप्शन यानी कि हीना सिंधु। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इस तरह देखो, हीना सिंधु ने अभी इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने खिताब जीता। तो 10 मीटर एयर पिस्टल का जो इन्होंने खिताब जीता, ये जो शूटिंग कंपटीशन है ये कहाँ पर हो रहा है, यानी आपसे होस्ट कंट्री या होस्ट सिटी भी पूछा जा सकता है। तो आप देखो आंसर क्या है, हनोवर जर्मनी, यानी इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन कहाँ पर हो रहा है, हनोवर जर्मनी में हो रहा है। और 10 मीटर एयर पिस्टल किसने जीता खिताब, तो किसने जीता, हीना सिंधु ने जीता। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स पर एक क्वेश्चन और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन कन्फर्ड द स्वर मौली अवार्ड फॉर 2018, हिंदी में 2018 का स्वर मौली पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, लता मंगेशकर जी। तो लता मंगेशकर जी को 2018 का स्वर मौली अवार्ड दिया गया है। वैसे ये सेकेंड टाइम ये अवार्ड पा रही है, मतलब इसके पहले भी ये अवार्ड पा चुकी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अवार्ड एंड प्राइस का, ज़्यादा इसमें डिटेल में हमको जाना नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि स्वर मौली अवार्ड 2018 का किसे मिला, लता मंगेशकर जी को मिला, ठीक है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज डेवलपिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्बिफियस एयरक्राफ्ट, मतलब कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा एम्बिफियस विमान विकसित कर रहा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप न्यूज़पेपर कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। तो जो चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्बिफियस विमान विकसित कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका काम क्या होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है, बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन आपको मेरे केवल हाइलाइटेड वर्ड पे फोकस करना है और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनना है ध्यान से, ठीक है। देखो, तो चाइना जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये एम्बिफियस एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। और ये कस्टमर को 2022 तक मिलने की उम्मीद है, मतलब ठीक है 2022 तक ये पूरा बन जाएगा और ये ऑपरेशन में यूज़ किया जाएगा, ठीक। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका कोड नेम है कुनलोंग द प्लेन और इसका नाम है AG-600। तो ये प्लेन का नाम है, आप जब भी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको यही नाम मिलेगा, AG-600, ठीक है, ये आपको नाम लर्न कर लेना है। इसके बाद इसका मेन वर्क कहाँ पे आता है, तो इसका मेन वर्क देखो मैरीटाइम रेस्क्यू, फाइटिंग फॉरेस्ट फायर एंड मरीन मॉनिटरिंग के काम में इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके मेन तीन काम होंगे, एक मैरीटाइम रेस्क्यू, एक फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स एंड मरीन मॉनिटरिंग। तो ये चाइना ने डेवलप करेगा 2022 तक, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावनाएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द विनर ऑफ निक्केई एशिया प्राइस 2018 अंडर द एरिया कल्चर एंड कम्युनिटी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन एक बार, निक्केई एशिया पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है, किस कैटेगरी में, कल्चर एंड कम्युनिटी के इस कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर पांच ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इन पांचों ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन है बिंदेश्वर पाठक, तो बिंदेश्वर पाठक को मिला है निक्केई एशिया प्राइस 2018। तो बिंदेश्वर पाठक का नाम शायद आपने सुना होगा, ये इंटरनेशनल सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है सुलभ, उसके ये फाउंडर भी हैं, ठीक है। तो देखो जब भी अवार्ड और विनर पे क्वेश्चन बनता है तो एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा डीप में बातें होती नहीं हैं, तो हम ज़्यादा डीप में जा नहीं रहे हैं, बस आपको अवार्ड का नाम याद रखना है और किसको ये अवार्ड मिला, मतलब विनर का नाम आपको याद करना है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम। अगर आपने इस बार के बजट को ध्यान से पढ़ा होगा तो इस बार के बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की बात हुई थी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये स्कीम है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है और स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमने क्वेश्चन जानबूझ के बनाया है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम पर, क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिख रहे होंगे और फिर आपको सही स्टेटमेंट चूज़ करना है जो सही होगा, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या क्या स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड हैव एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, मतलब ये सब स्टेट राजी हो गए हैं अपने स्टेट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को अपनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
National Health Protection Mission will provide in annual coverage of rupees 3 lakh per family. यानी कि हर फैमिली को सालाना 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा. और लास्ट पॉइंट है, the beneficiaries of NHPM can avail benefit in both public and impaneled private facilities. मतलब कि आप चाहे सरकारी जगह पे अपना इलाज कराओ, चाहे प्राइवेट जगह पे, आपको ये स्कीम मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी. ठीक है, तो आपको इसमें से गलत सेंटेंस को चूज़ करना है. ठीक है, और मैं आपको बताऊँ, अगर आपने बजट को ध्यान से पढ़ा होगा तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में एक परिवार को 5 लाख रुपये का पर एनम की सहायता मिलती है, न कि 3 लाख रुपये की. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और जो हमारा सही होगा स्टेटमेंट वो होगा पहला और तीसरा. तो यहाँ पर ऑप्शन हमें 3 दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा. यानी आपने सीखा क्या, देखो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में गरीबों को ये सहायता मिलती है, हर परिवार को सहायता मिलती है. अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 10 करोड़ परिवारों को इसमें जोड़ें, यानी 10 करोड़ परिवार जुड़ते ही 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इस स्कीम के अंडर में आ जाएंगे, 50 करोड़ लोग. ठीक है, 10 करोड़ परिवार का मतलब भाई फैमिली का मतलब, किसी फैमिली में 2 लोग हैं, किसी में 3 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं. तो 10 करोड़ परिवारों को गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, मतलब कि अपने आप 50 करोड़ लोग इस योजना में आ जाएंगे. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी, एक साल का. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लाख. और अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा एंड उत्तराखंड एग्री हो गए हैं इस स्कीम को अपनाने के लिए. अब यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन को अपनाने से इनकार कर दिया है. उसका आंसर है ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल ने इसे अपनाने के लिए मना कर दिया है. ये भी क्वेश्चन बन सकता है. तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, इससे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पर चलना होगा. देखो स्लाइड हमारी आ चुकी है, और स्लाइड में आपको पहले ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. क्या द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द एम्बिशियस नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन. ये पॉइंट आपको क्लियर है, चारों स्टेट का नाम लर्न कर लेना. ठीक है, इसके बाद NHPM aims to provide an annual coverage of rupees 5 lakh, जो मैं बोल रहा था वहाँ पर क्वेश्चन में 3 लाख था इसलिए वो गलत हो गया था, 5 lakh per family. The scheme will target poor, deprived rural families and identified occupational categories of urban worker families. ठीक है, तो ये लोग को स्कीम में टारगेट किया गया है. इट विल बी कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज, मतलब ये जो स्कीम है ये आपको पेपरलेस और कैशलेस आपको मिलेगी. ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए ऑन नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिनेबल एनर्जी. देखो रिनेबल एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, एग्जाम्पल सोलर पावर, विंड पावर. ठीक है, क्वेश्चन क्या है पर देखते हैं. Which ministry has issued the national wind solar hybrid policy? मतलब कि wind का मतलब क्या होता है, हवा, और solar का मतलब क्या होता है, sun rays या सौर ऊर्जा की जो बात हो रही है. तो इनको एक साथ कैसे यूज करके हम अपने देश में जो ऊर्जा की मांग है इसको हम पूरी तरह से फुलफिल कर पाएं, तो किस मिनिस्ट्री ने एक हाइब्रिड पॉलिसी लॉन्च की है. अब देखो, तो मैंने क्या बोला, विंड और सोलर जो पावर है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या कोई मिनिस्ट्री हमको दिख रही है, तो यहाँ पर हमको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. और बिल्कुल यहाँ पर रीजनिंग वाला आपको दिमाग लगाना है और आपको तुरंत इसे डिकोड करना है कि यहाँ पहला ऑप्शन ही हो सकता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक हाइब्रिड पॉलिसी लॉन्च की है. इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं तो इसमें हम बहुत डीप में जा भी नहीं रहे हैं. बस आप इतना जान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक हाइब्रिड पॉलिसी लॉन्च की है, विंड और सोलर हाइब्रिड पॉलिसी. ठीक है, ताकि विंड पावर का और सोलर पावर को हम एक तरह से इंडिया में इंप्लीमेंट कर पाएं और इससे हम एनर्जी जनरेट कर पाएं. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट. ध्यान से सुनना अपॉइंटमेंट. ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स. असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको इसके आंसर बताने हैं. यहाँ पर 5 ऑप्शन दिख रहा है और इन 5ों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है 4th ऑप्शन, सुखदीप सांगवान. तो सुखदीप सांगवान जो है ये अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स. ठीक है, ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है तो आप इसे नाम केवल लट्टा मार लेना, इसे क्लियर कर लेना. अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन इंटरनेशनल फाइनेंस. बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन था फिच वाला, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है नोमरा का. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, इंडियाज़ GDP
is expected to grow by which percent in January to March according to a Nomura report. मतलब Nomura की report के मुताबिक जनवरी से लेके मार्च में भारत की GDP कितने परसेंट तक बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नोमुरा के बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, तो अभी हम सीधे अपने आंसर पे आते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन थर्ड, तो ये 7.7% जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 7.7% इन जनवरी टू मार्च अकॉर्डिंग टू अ नोमुरा रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्वार्टरली अपना जो है प्रेडिक्शंस देते हैं, और क्वार्टरली की बात करें तो 7.7% का प्रेडिक्शन इन्होंने नोमुरा ने दिया हुआ है। अब नोमुरा कहाँ की एजेंसी है और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, इससे हम इसके लिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्लाइड फ्रेंड्स आ चुकी है हमारे सामने, और स्लाइड में फिर से वही बातें हैं जो आप लोग जानते हो। इंडियाज GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 7.7% इन जनवरी टू मार्च, ऐसा नोमुरा कहना है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, मतलब जनवरी से मार्च के पहले वाले क्वार्टर में, मतलब किसकी बात हो रही है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट इंडिया की थी वो 7.2% इनके हिसाब से थी, ये नोमुरा ने अपने रिपोर्ट में बोला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नोमुरा की बात हमने पहले क्वार्टर की कर ली है, अब देखो इन्होंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ एवरेज 6.2% इन द जनवरी मार्च पीरियड, मतलब इंडिया की कंबाइंड जो हम ग्रोथ की बात करें वो कितनी, 7.7% इनके हिसाब से रहेगी, और जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो 6.2% है, ठीक है। तो ये बात नोमुरा ने कहा है, और थोड़ी बात करते हैं नोमुरा की, ठीक है। नोमुरा होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन इज अ जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड अ प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द नोमुरा ग्रुप, ठीक है। ये बात आप समझ लो कि ये जापान की एक कंपनी है। इसके CEO कौन है, इसके CEO है मिस्टर कोजी नगाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, टोक्यो जापान में है, और फाउंडिंग ईयर इसका है 25 दिसंबर 1925। तो ये बातें कुछ नोमुरा की हो रही थी, फिच की बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के विजिट की हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑन May 21 फॉर एन इनफॉर्मल समिट, मतलब अनौपचारिक बैठक के लिए 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने पांच ऑप्शन हैं, और इस पांचों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है रशिया, रूस। तो नरेंद्र मोदी 21 मई को रशिया का दौरा करेंगे, और ये एक इनफॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल समिट होगी, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं, जब ये आ जाएंगे वहाँ से और क्या क्या बातें हुई तो हम उसमें हम और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो अभी के लिए आप जान लो कि एक इनफॉर्मल मीटिंग के लिए मिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नाम दिया है उषा अनंत सुब्रमण्यम इज द CEO ऑफ विच बैंक। उषा अनंत सुब्रमण्यम किस बैंक की CEO हैं, हालांकि ये CEO थी कहना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो वेल इसका आंसर क्या है, इलाहाबाद बैंक। जरा मुझे बताओ इलाहाबाद बैंक का टैगलाइन क्या है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उषा अनंत सुब्रमण्यम जो है वो किस बैंक की CEO हैं, और मेरे एक क्वेश्चन से आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर क्या है, इलाहाबाद बैंक। मैंने आपसे इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन पूछी है, तो पूरी बात क्या है इसको जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ नोट कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। तो हम आते हैं आज के लास्ट स्लाइड पर। देखो आज की लास्ट स्लाइड आ चुकी है, और ये जो उषा अनंत सुब्रमण्यम है इनका कहीं ना कहीं नीरव मोदी से भी कनेक्शन है। तो आप बोलेंगे सर नीरव मोदी तो PNB से फ्रॉड किए थे और उषा अनंत सुब्रमण्यम तो इलाहाबाद बैंक की CEO हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2015 से लेकर 2017 तक उषा अनंत सुब्रमण्यम पंजाब नेशनल बैंक की भी डायरेक्टर रह चुकी हैं, तो याद रखना इस चीज़ को। तो अब हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है और क्यों ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि इलाहाबाद बैंक की MD CEO कौन है। देखो गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ इलाहाबाद बैंक CEO उषा अनंत सुब्रमण्यम एंड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉलोइंग CBI's फर्स्ट चार्जशीट इन द $2 billion फ्रॉड एट PNB। मतलब कि पहली चार्जशीट दायर हो चुकी है CBI की पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड हुआ था, ठीक है। और इसलिए क्या हुआ है, तो CBI ने जो चार्जशीट पेश की है उसके हिसाब से उषा अनंत सुब्रमण्यम को और पंजाब नेशनल बैंक के दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर भी शक है फ्रॉड में शामिल होने का। अब देखो
The Allahabad Bank Board has also been asked to divest Anand Subramaniam of all power and initiate further action. मतलब कि इनके इलाहाबाद बोर्ड को पहले ही कहा जा चुका है कि उषा अनंत सुब्रमण्यम को सारे पावर से हटा दिया जाए. ठीक है, तो अब ये कह सकते हो आप कि उषा अनंत सुब्रमण्यम के ऊपर भी तलवार लटक चुकी है. ये इलाहाबाद बैंक की एमडी सीईओ थी, लेकिन इनको पावर से हटाया जा रहा है ड्यू टू फ्रॉड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक. ठीक है, अच्छा देख लो, तो अनंत सुब्रमण्यम was the MD and CEO of Punjab National Bank from 2015 to 2017, जो मैं आपसे बोल रहा था. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इलाहाबाद बैंक की. देखो, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता, लर्न कर लेना. CEO उषा अनंत सुब्रमण्यम, इसकी आप ठीक हो ज़्यादा अच्छा है, वो हटने वाली है तुरंत अभी. किस ईयर में फाउंड किया गया, 24 अप्रैल 1865. एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन बनता है एसएससी रेलवे के एग्जाम में कि हमारे देश का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा है. देखो, ज्वाइंट स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है शेयर. आप सुनते हो ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक का मतलब होता है शेयर. ज्वाइंट स्टॉक कहो या ज्वाइंट शेयर बोलो, इसका मतलब होता है पार्टनरशिप. तो क्वेश्चन का सेंस है कि भारत का सबसे पुराना पार्टनरशिप का बैंक कौन सा था, या भारत का सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा था. आंसर क्या है, इलाहाबाद बैंक. इसे लर्न कर लेना, हिस्ट्री ऑफ बैंक से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में. ठीक है, टैगलाइन, तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है, देख लो यहाँ पर, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट. तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद बैंक के बारे में जो मैंने आपको दे दी. तो यहाँ पर आपका 15th मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है. सारी नोट्स अच्छे से बनाते रहो, और जब मेरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मैं आपसे पुराने वीडियोज़ के भी क्वेश्चन पूछता रहूँगा, ताकि आपका रिविजन भी होता रहे. ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.